पेस और ये है चौथा पेस। अब भेज वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ नीतीश और स्वागत है आप सभी का। सो दोस्तों, एक बार फिर से आपको लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी खाना खिलाने के लिए। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और जैसे ही मुझे पता चला कि हांडी मटन मिल रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी जानकारी आप लोगों को भी दी जाए। और मैंने सुना कि बहुत ही अच्छा टेस्टी हांडी में मटन बनाया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर ये जगह बतानी चाहिए कि ये कहाँ पे है। तो अगर इसकी एड्रेस की बात करें तो दोस्तों, ये जो है ये अशोक नगर के गेट नंबर 2 के पास में है, जहाँ पे है मॉम्स किचन। और जैसे मुझे जानकारी मिली कि मॉम्स किचन में हांडी मटन मिल रहा है, मैं सीधे यहाँ पे आ गया। तो आइए अंदर आपको बताते हैं कि क्या क्या रेट है, पूछते हैं, मुझे भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑनर होंगे तो हम लोग इनसे बात करते हैं। यहाँ पे तुषार है हमारे साथ। हेलो तुषार। तो तुषार यहाँ पे है। और तुषार, आप बताइए कि ये जो आपका आउटलेट है वो कितने साल पहले शुरू हुआ? ये 2 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। ये हमारा जो रेस्टोरेंट है ये 13 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हुआ था। अच्छा, मतलब कि 2 साल से आप यहाँ पे हो। जी जी। और आपकी टाइमिंग क्या होती है, कितने बजे खोलते हो आप शॉप? हमारी टाइमिंग है 1 बजे से सामान सब रेडी हो जाता है, हर ऑर्डर रेडी हो जाता है। अच्छा। और लगभग रात को 10:30 बजे तक हम आपको सर्व करते हैं। अच्छा, तो दोपहर के 1 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये होते हैं। तो तुषार, यहाँ पे जो हांडी मटन है ये क्या, मतलब वो बिहार वाला चंपारण हांडी वाला ही कॉन्सेप्ट है आपका? जी जी, वही कॉन्सेप्ट है। वो जो प्रॉपर मोतिहारी वाला कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है हमारा। मतलब कि मिट्टी के हांडी में आप मतलब मटन को कुक करते हो? जी जी। और उसमें जिस तरह से खड़ा मसाला और लहसुन बोला जाता है, लहसुन मिर्च प्याज को मिला के मैरिनेट करते हो और उसके बाद मटके में डालते हो? हाँ, और उसका वो पूरा का पूरा मटन जो है वो मटके में ही कुक होता है। अच्छा, तो उसमें 1 से 1.5 घंटा में वो कुक हो जाता है और फिर रेडी हो जाता है। अच्छा, तो मतलब कि मटके में ही सारा कुछ ये डाल देते हैं, कोई पानी वानी कुछ नहीं होता है? तो मटन जो आप लाते हो वो प्योर मटन होता है? एकदम प्योर मटन होता है। सुबह सुबह 6 बजे मैं खुद जाता हूँ। अच्छा। और ये मैं अश्योर करता हूँ कि मटन एकदम प्योर है। अच्छा, तो मटन कैसे केजी खरीद रहे हो अभी आप? ये आप हम खरीद रहे हैं लगभग 700 रुपीज़। तो 700 रुपया केजी ये मटन खरीद रहे हैं। तो आपके यहाँ किस किस तरह का मटन मतलब की मिलता है? देखिए, हम वेट वाइज मटन देते हैं। अच्छा। तो 3 ऑप्शन आपके पास, 250 ग्राम उसका रेट है 350, 500 ग्राम उसका रेट है 700, और 1000 ग्राम दैट इज 1 kg उसका रेट है 1300। अच्छा, तो यहाँ पे आपको दोस्तों 3 तरह से मटन मिल जाएगा। अगर आप 1 kg लेते हो तो 1300 रुपया लगेगा, आधा केजी लेते हो तो 700 रुपया लगेगा, और 1 पाव मतलब कि 250 ग्राम लेते हो तो आपको 350 रुपया लगेगा। तो इस तरह से ये वजन के हिसाब से यहाँ पे मटन आपको मिल जाता है। और हांडी मटन का जो टेस्ट तो आपको पता ही है, बहुत टेस्टी रहता है। तो आज हम लोग मॉम्स किचन का ये हांडी मटन खा के देखेंगे। और भी कुछ कुछ आप रखते हो? जी एक्चुअली ये सिर्फ हांडी मटन वाला सेक्शन है। अच्छा। वहाँ जो हमारा आउटलेट मेन आउटलेट है जस्ट इसके बगल में है। हाँ। उसमें हमारे पास तंदूरी है, तंदूरी के सारे आइटम्स, चिकन अफगानी, चिकन तंदूरी, वेज में पनीर टिक्का, सोया चाप। अच्छा अच्छा, तो इनके पास बहुत सारा आइटम है। चलिए दिखाते हैं कि उधर क्या कुछ बन रहा है। भूख बहुत जोरों से लगी है, खाना भी हम लोग खाएंगे लेकिन थोड़ा। तो दोस्तों, अभी हम लोग इस साइड आ चुके हैं और इधर क्या क्या है तुषार? इधर हमारा तंदूरी आइटम्स है, शावरमा है जो कि शाम को 5 बजे से स्टार्ट होता है, बाकी इंडियन ग्रेवी आइटम्स, चाइनीज आइटम्स, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है। और अंकल भी यहाँ है, नमस्ते अंकल। तो दोस्तों, अंकल जो है ये दिल्ली ताज जो होटल है वहाँ पे 5 साल रह चुके हैं और वहाँ के शेफ थे ना? जी जी जी, वहाँ के ये शेफ थे। और जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो मैरिनेशन है, जो सारा रेसिपीज है, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो दिल्ली स्टाइल स्ट्रीट फूड देने की हमारी कोशिश रहती है। मतलब यहाँ पे आपको मेन कोर्स हांडी मटन तो मिलेगा ही, साथ में आपको बहुत सारे अच्छे स्ट्रीट फूड भी मिल जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है अंदर में और बताते हैं आपको। देखो, चिकन चला गया यहाँ पे मैरिनेट करने के लिए। ये क्या डाले भैया? नमक। और ये क्या है? मिर्ची पेस्ट। मिर्ची की पेस्ट, हरी मिर्ची की पेस्ट।
तो बड़े क्वांटिटी पे यहाँ पे चिकन को मैरिनेट किया जा रहा है, और ये आई थिंक अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह से मैरिनेशन होता है, हरी मिर्च की पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट, नमक डाल दिया गया है, और ये क्या है, पपीता का पेस्ट है भैया। अच्छा पपीता का पेस्ट, अच्छा ये इसको जूसी रखेगा, ठीक है। और इसको काफी अच्छे से मैरिनेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये अफगानी है और इसका कलर आप देख सकते हो पूरा मलाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये इसी कलर में रहता है ना? हाँ जी। इधर मैरिनेशन हो रहा है चिकन टिक्का का, तो एकदम देख सकते हो ताजा ताजा चिकन और सबको मैरिनेट करके रखा जा रहा है, अलग अलग इसका मैरिनेशन है। और ये सारा तंदूर आइटम है। और ये देखो जी, ये बड़े बड़े पीसेस है, ये तंदूरी के पीसेस है भैया। ये तंदूर में जाएंगे और देखो पीस के साइज देखो आप, यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े और बहुत अच्छे लग रहे कलर। तो ये चिकन तंदूरी की तैयारी है, और इसमें जो पेस्ट डाला जा रहा है, ये क्या पेस्ट है भैया? मसाला है। ये क्या बना रहे हैं भैया? चिकन रोल का फिलिंग। तो इधर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे चिकन रोल के लिए बनाया जा रहा है, चिकन को भूंजा जा रहा है यहाँ पे अच्छे से, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, चिकन के बड़े बड़े पीसेस हैं। और यहाँ पे चिकन करी है, तो ये देखो दोस्तों चिकन यहाँ पे रखा हुआ है, और चिकन के बड़े बड़े पीसेस आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप खाना खाने आ रहे हो तो आपको चिकन भी मिल जाएगा यहाँ पे, चिकन के बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे। हाँ हो ही जाएगा वो भी। जा रहा है बटर, तो बहुत सारे वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। और फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मटन हांडी रेडी होने वाला है। कितने घंटे हो गए भैया इसको? एक घंटा हो गया ना? एक घंटा हो चुका है। धीमी धीमी आंच पे ये पकाया जा रहा है, और देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म, ओ हो क्या गर्मा गर्म मटन है। इसको चला के थोड़ा दिखा दीजिए। आप देख सकते हो खुशबू इतनी बहुत प्यारी सी आ रही है, अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है, प्याज भी इस पे डाला हुआ है, और बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। थोड़ी देर और ये पकेगा क्या भैया? सो दोस्तों अब बारी है खाने की, अब हम लोग खाना खाने जाएंगे, और हम लोग खाने जा रहे हैं मटन हांडी, जो कि अब बिल्कुल रेडी ही है। तो चलिए अब हम लोग मटन हांडी लेके बैठ जाते हैं। चलाइए चलाइए। हाय खुशबू इतना अच्छा आ रहा ना कि अब रहा नहीं जा रहा है। सो दोस्तों अब हम लोगों का मटन निकलने जा रहा है, आप देख सकते हो चार पीस का कितना है भैया? चार पीस का 350 रुपया ना। लहसुन भी दे दीजिएगा भैया एक पीस। हाँ। और हड्डी वाला पीस दीजिए। हाँ वो पीस दीजिए। तो ये चार पीस चला गया, और ऊपर से ग्रेवी भी दीजिएगा। हाय मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी यार, खुशबू से ना, मतलब कि
बहुत ही अच्छा। तो आप लोग इस तरह का मटका में खाना सर्व करते हैं? जी। क्या बात है, क्या बात है। हमारा नाम यही चीज चार है। तो दोस्तों हमारा खाना आ चुका है और यहाँ पे है राइस, चावल आप देख सकते हो, और इसमें है मटन। और मटन जो है हम लोगों ने 350 रुपया वाला लिया है। चार पीसेस यहाँ मटन की मिली है, 250 ग्राम है। तो देखते हैं मटन की साइज क्या क्या है। एक लहसुन भी हम लोगों ने मांगा था तो लहसुन भी हमें मिला है, और आप देख सकते हो बहुत ही गर्म है ये। ये रहा दूसरा पीस, तीन पीस, और ये है चौथा पीस। अब ढेर सारा ग्रेवी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो थाली हमारी गर्मा गर्म मटन के साथ। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ खाना, क्योंकि बारिश का मौसम है अभी और ऐसे में आपको गर्मा गर्म मटन मिल जाए तो बात ही क्या है। काफी अच्छे से पका है, आराम से ये टूट रहा है, और इसका सौंधापन जो मटके का बना हुआ ना उसका टेस्ट ही कुछ और ही है, मतलब कि बहुत टेस्टी है। बहुत ही अच्छी ग्रेवी भी है, टेस्टी है। बहुत गर्म है। आप देखो कितना सॉफ्ट है। तीखापन भी बहुत ज्यादा है इसका, जो होना चाहिए, और मटके का जो सौंधापन होता है वो भी है। तो मटन इतने अच्छे से कुक हुआ है ना, इतनी जल्दी होगी। बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। अगर आप अशोक नगर की तरफ कभी भी आओ तो मॉम्स किचन में आप हांडी मटन जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा। यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ की जो प्राइस है कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मुझे लगा कि प्राइस यहाँ का जो है वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जितना महंगा भी मटन है, आप जानते हो मार्केट में मटन कितना महंगा मिल रहा है, उस हिसाब से ठीक है। जितना टेस्ट और क्वालिटी को मेंटेन किया गया है उस हिसाब से अगर प्राइस की बात करें तो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ का फुल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे आके मटन हांडी ट्राई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आइटम आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो मिलेंगे ऐसी अच्छी वीडियो के साथ अगली बार, तब तक के लिए देखते रहिए नीतीश एंड कुजीन।